लाइफ में सबका रिस्पेक्ट करना सीखिए, किसी को छोटा मत समझिए। हाय दोस्तों, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं मीठी मोटिवेशन। दोस्तों एक बार की बात है, एक कंपनी में टूथपेस्ट का कंपनी था, तो उसमें सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत पैसा सब लोग खर्च कर रहे थे। तो सब लोग अपना अपना दिमाग बहुत लगाएं, उसके बाद उतना कुछ सुधार नहीं हुआ कि जो सेलिंग है, जो सेल हो रहा है वो बढ़ जाए। तो एक उसमें कर्मचारी था, उसने बोला कि मैं कुछ बताऊं, तो सब लोग हंसने लगे। सब बोले कि इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे कुछ सलूशन निकल नहीं पा रहा है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे काम करने वाला आदमी है, ये क्या बता देंगे। तो फिर उसमें एक मैनेजर था, वो थोड़ा सही था, वो सोचा कि जानने में क्या जाता है, एक बार देख ही लेते हैं। तो उसने बोला कि बोलिए आप। तो उस आदमी ने कहा कि सर, टूथपेस्ट का जो है, जो मुंह है वो बड़ा कर दीजिए थोड़ा सा। सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों थोड़ा आवाज़ हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जब उसने बोला कि उसका मुंह थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग समझ गए कि मुंह बड़ा करने से जो पेस्ट है ज़्यादा निकलेगा। मान लीजिए जो 100 ग्राम का पेस्ट है, किसी के घर 1 महीना चलता है तो 20 दिन चलेगा। लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, दबा देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, आधा वेस्ट हो जाएगा उसमें से। तो ये जब तरकीब सब लोग लगाएं और उसका मुंह बड़ा करके फिर प्रोडक्शन चालू किए, तो देखें कुछ महीनों बाद कि रियल में सेल बढ़ गया। तो उस आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए, उसको सम्मान किया गया। तो यही है दोस्तों कि किसी को छोटा मन नहीं समझना चाहिए। एक बार की और बात है कि एक पाइपलाइन वाला कंपनी था, वो पाइप बिछा रहा था ज़मीन के नीचे, तो उसमें पाइप तो बिछ गया, तो उसमें तार डालने के लिए बहुत सब लोग बोलो सोचे कि इतना इतना पैसा लगेगा, मशीन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो एक किसान था, उसने बोला कि आप लोग क्या सर्च करें, तो उसने बताया कि हम लोग इसमें पाइपलाइन में तार डालना चाहते हैं, तो ये दिक्कत हो रहा है, इतने का मशीन लगेगा, ऐसे ऐसे। तो उसने बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने किया ये कि एक चूहा पकड़ा, तो चूहे के पैर में एक रील बहुत हल्का वाला बांध दिया और इस पाइप से छोड़ दिया उसे। और रील वो चूहा जो था निकलता गया, ज़्यादा हम जानते 2-3 किलोमीटर का था। और जब वो उस पार हुआ तो एक आदमी को भेज दिए कि जो चूहा निकलेगा तो धागा उसके पैर से छोड़ कर चूहा छोड़ दें, चूहा अपना भाग जाएगा। और जब रील निकल जाएगा तो धागा में एक और मजबूत धागा बांध कर जब खींच लेंगे पूरा मजबूत हो जाएगा। और जब पूरा मजबूत हो जाएगा तो उसमें कोई भी तार बांध के खींच सकते हैं। तो कितने आसान से काम हो गया। तो यही था दोस्तों कि किसी को कमज़ोर या किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। दिमाग इतना पावरफुल है कि कब किस प्रकार का सोल्यूशन आ जाए दिमाग से कोई नहीं जानता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।